मैनी इन बॉडी वन इन माइंड, व्यक्ति अनेक सोच एक, राइटिंग्स ऑफ निचरिन दाशनिन। सफेद रजाई नुमा कोट और रुई से भरी मोटी रजाई, साथ ही 1,000 सोने के सिक्के, होकीबो और सैडोबो जैसे अच्छे अवसरों के जरिए मुझे मिले, और आत्सुबुरा के अनुयायियों ने अपनी दृढ़ संकल्प को अप्रमाणित किया है। यदि व्यक्ति अनेक मगर सोच एक, एक की भावना सभी व्यक्तियों में प्रबल हो, तो वे अपनी अपनी सभी लक्ष्यों में सफल होते हैं। किंतु जहां सब हों मगर सोच एक न हो, तब वे कुछ उत्कृष्ट अर्जित नहीं कर सकते। कन्फ्यूशियस और टायोस्ट के 3,000 से भी अधिक साहित्यिक खंडों में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। यिन का राजा चाऊ ने 7 लाख सिपाहियों को, चाऊ के राजा वु और उसके 800 सिपाहियों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था। फिर भी राजा चाऊ की सेना ने उसे हरा दिया, क्योंकि उसमें एकता नहीं थी, जबकि राजा वु ने उसे परास्त किया, क्योंकि उसमें पूर्णतः एकता थी। यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी अपने विरोधी प्रयोजनों के साथ अंत में निश्चित ही असफल होगा, मगर 100 व्यक्ति, यहाँ तक कि 1,000 व्यक्ति भी निश्चित तौर पर सफल होंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, यदि वे एक ही सोच के हैं। यद्यपि जापानी असंख्य हैं, फिर भी उनके लिए कुछ भी उत्कृष्ट प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वे वैचारिक स्तर पर बंटे हुए हैं। इसके विपरीत निचरन और उनके अनुयायी हालांकि बहुत कम हैं, क्योंकि उनके शरीर पृथक हैं मगर सोच में संगठित हैं। वे निश्चय ही अपने महान लक्ष्य लोटस सूत्रा के विस्तारण में सफल होंगे। यद्यपि शैतानी ताकतें असंख्य हो सकती हैं, वे एक महान सत्य पर हावी नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रचंड अग्नि की लपटें एक ही वर्षा की बौछार से बुझ जाती हैं, यह नियम निचरन और उनके शिष्यों के बारे में भी सच प्रमाणित होता है। तुमने पूरे समर्पण से बहुत वर्षों से लोटस सूत्रा की सेवा में लगे हो, और साथ ही तुमने आत्सुहारा की घटनाओं में उल्लेखनीय संकल्प भी प्रदर्शित किया है। कई व्यक्तियों ने इसका जिक्र किया है, और होकीबो बो और सादोबो ने भी ऐसा कहा है। मैंने बहुत ध्यान से सुना और सूर्यदेव और सूर्यदेवी को सब कुछ विस्तार से सूचित किया है। मैं पहले ही तुम्हें जवाब देता, मगर उस समय कोई नहीं था जो तुम्हारे पास पत्र पहुंचाता। आचार्य बेन यहाँ से इतनी जल्दी चले गए कि मुझे उनके जाने से पूर्व पहले समय ही नहीं मिला कि मैं अपना पत्र लिख सकूं और पूरा कर सकूं। तुम सब असमंजस में हो कि मंगोल क्या फिर हमला करेंगे, मगर मुझे लगता है कि आक्रमण होने ही वाला है। यद्यपि हमारे देश का पतन खेदजनक है, यदि आक्रमण नहीं होता तो जापान के लोग पहले से भी अधिक लोटस सूत्रा को और अधिक अपयश फैलाएंगे, सभी अविच्छिन्न पीड़ा के नरक में भी गिरेंगे। मंगोलों की बेहतर शक्ति से शायद देश तहस नहस हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, मगर सही उपदेशों पर झूठा कलंक लगाना लगभग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यह पराजय दागने के समान होगी जो रोग का शमन करती है, जैसे एक्यूपंचर जो दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है। दोनों ही उस समय थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, मगर बाद में प्रसन्नता प्राप्त होती है। निचरन लोटस सूत्रा के दूत हैं, जापानी राजा मेहर कुल के समान हैं,
जिसने सारे जम्बुद्वीप से बुद्ध धर्म को लुप्त कर दिया। मंगोल सम्राट राजा हिमताल के समान है, एक संदेशवाहक जिसे स्वर्ग से लोटस सूत्रा के शत्रुओं को दंड देने के लिए भेजा गया है। यदि जापानी इसी जन्म में पश्चाताप करते हैं तो वे सम्राट अजातशत्रु के समान होंगे जो बुद्ध को का अनुयायी बन गया था और अपने कोड़ से उसने मुक्ति पाई थी, और उसके बाद 40 वर्ष से भी अधिक जीवित रहा। यद्यपि अपनी गहरी आस्था में कमी के कारण वह संकट से छुटकारा पा सका और इसी जन्म में उसे बोध हुआ कि देखी गई वस्तु अथवा यथार्थ न तो पैदा होती है और न ही नष्ट होती है। गहरे आदर के साथ निचरिन, द सिक्स्थ डे ऑफ द 8th मंथ। पृष्ठभूमि, यह पत्र ताकाहाशी को मिला जिसकी पत्नी निक्को शोनिन की बुआ थी। उस समय लिखे जाने का वर्ष अज्ञात है, जब आत्सुहारा में निचरिन के समर्थकों पर उनकी बढ़ती संख्या को देखकर मुकदमा चलाया जा रहा था, अभियोग चल लगाया जा रहा था, और 1280 में अर्थात मंगोलों के दूसरे आक्रमण से एक वर्ष पहले जब आत्सुहारा में अभियोग लगाया जा रहा था। इस पत्र में एकता की भावना अर्थात अनेक व्यक्ति मगर एक सोच का महत्व बताया गया है। दाइशुनिन कहते हैं कि अनेक तन और एक मन अर्थात एकता के बल पर ही वे अनेक शैतानी बाधाओं का सामना कर सकेंगे। दाइशुनिन आगे कहते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से जापान के व्यक्ति लोटस सूत्रा के सच्चे उपदेशों को समझने लगेंगे।